पुलिस लाइन में शुक्रवार को 2021 बैच के प्रशिक्षु महिला आरक्षियों के पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान कोविड नियमों और बारिश को ध्यान में रखते हुए 87 महिला आरक्षियों को पद और कर्तव्य की शपथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने दिलाई। इस मौके पर महिला आरक्षियों का नेतृत्व कर रही परेड कमांडर प्रथम प्रियांशी देवी, परेड कमांडर निष्ठा सुमन, परेड कमांडर कंचन बाला ने मुख्य अतिथि एसएसपी दिनेश कुमार पी को सलामी दी। इस मौके पर मुख्य अतिथि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने महिला आरक्षियों को जिले में ड्यूटी के लिए शपथ दिलाकर ट्रेनिंग के दौरान विशेष योगदान देने वाली महिला आरक्षियों को सम्मानित किया। बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु ने महिला सिपाहियों को संबोधित करते हुए बधाई दी और कहा कि कोई ऐसा काम ना करें जिससे खाकी के सम्मान को ठेस पहुंचे। एसएसपी दिनेश कुमार पी ने महिला सिपाहियों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए आपको फील्ड ड्यूटी के दौरान मानसिक रूप से ही नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी मजबूत रहकर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने सभी आरक्षियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। समारोह में पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार, पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक व लाइन रामसेवक गौतम, एएसपी राहुल भाटी, आरआई उमेश कुमार दुबे सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली रिक्रूट महिला आरक्षी प्रियांशी देवी, कंचन बाला, निष्ठा सुमन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु ने कहा महिला रिक्रूट आरक्षी अयोध्या से 32, गोरखपुर से 29, गोंडा से 26 का आधारभूत प्रशिक्षण दिनांक 3 नवंबर 2021 से प्रारंभ 20 से प्रारंभ हुआ। महिला रिक्रूट आरक्षी को प्रशिक्षण सक्षम संपन्न कराने हेतु 5 टोलियां बनाई गई। वायु प्रशिक्षक के रूप में 5 ITI तथा 5 VTI तथा अंतर विषय हेतु उप निरीक्षक 4 लगाए गए थे। कुल 87 महिला रिक्रूट आरक्षी में से 87 महिला रिक्रूट आरक्षी परीक्षा पास कर दीक्षांत समारोह में आज सम्मिलित हैं। नेहा सिंह, नेहा सिंह, थोड़ा इधर घूम जाना, इधर 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 सिंह, और इसी समूह में प्रथम चेस्ट नंबर 74 सिप्रा यादव, इधर इधर, और चतुर्थ समूह में ही प्रथम समूह में प्रथम चेस्ट नंबर 83 सृष्टि वर्मा, शिवानी सिंह, और
सविता अष्टम समूह संपूर्ण अनुनकार पूजा वर्मा में प्रथम चेस्ट नंबर 12 नेहा सिंह और साक्षात्कार में ही पूनम सिंह और इस परेड में चतुर्थ समूह में प्रथम रही हैं चेतबाज विषय के योग में प्रथम प्रियांशी देवी सर्वांग सर्वोत्तम प्रशिक्षित कमांडर भी है रही सर सर्टिफिकेट सर ये दोनों सर सर्टिफिकेट मिली आई सर द्वितीय परेड कमांडर पुरस्कार के इसी क्रम में हम माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करता हूं मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करूंगा आशीर्वाद दें माननीय मुख्य अतिथि महोदय पासिंग आउट परेड में उपस्थित सभी पुलिस विभाग के अधिकारीगण पुलिस लाइन की अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण आरटीसी की सभी ट्रेनर लोग टीचर्स लोग और यहाँ पे 87 महिला रिक्रूट्स आज के दिन आपके लिए बहुत विशेष है। खैर ये तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि आज हम लोग परेड ग्राउंड में पीओपी नहीं करा पा रहे हैं, बारिश के वजह से हम लोग टिन शेड में अपने पीओपी कर रहे हैं। आप ट्रेनिंग समाप्त करके अपने व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए जिलों में जा रहे हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारे चुनौतियाँ इंतज़ार कर रहा है। आरटीसी के छाया में जब हम लोग रहते हैं तो बहुत सारी कमियाँ हम ढूंढते हैं, आरटीसी में वो कमी है, आरटीसी में ये कमी है। आरटीसी के तुरंत बाद जब आप फील्ड में जाएंगे ये आपको समझ में आएगा कि ये कमियाँ कुछ भी नहीं है। कोरोना महामारी काल में आप लोग पास आउट करके फील्ड में जा रहे हैं और आप लोग सभी लोग डबल डोज वैक्सीनेटेड हैं, बाकी आम जनता से ज़्यादा सुरक्षित हैं हम लोग। डबल डोज लगने के बाद बाकी अन्य विभागों से प्रभाव पुलिस विभाग पे कोरोना का कम रहा है, कोरोना का प्रभाव जरूर पुलिस विभाग पे रहा है बट बाकी विभाग से कम हम लोग प्रभावित हुए हैं क्योंकि हम लोग डबल वैक्सीनेटेड हैं। दूसरा, मैं आज देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अपने मास्क नीचे किए हुए हैं, यही गलती हम लोगों को फील्ड में नहीं करना क्योंकि ऐसे भी इंसिडेंट्स यहाँ पे हुआ है कि डबल वैक्सीनेशन के बाद लोग प्रभावित हुए हैं, उनमें से कुछ एक फीसदी लोग की मृत्यु भी हुआ है। जैसे हमारे यहाँ के सब इंस्पेक्टर बलराम त्रिपाठी जी
अपने ड्यूटी के दौरान डबल वैक्सीनेशन के बाद कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। डबल या सिंगल कोई एक डोज शायद रह गया उनका, बट उन्होंने शुरुआती लक्षण को इग्नोर करता रहा और लोकल किसी डॉक्टर को कंसल्ट करते हुए टाइफाइड और अन्य बीमारी की दवा खाता रहा। कोविड का जो सिम्टम्स को सीरियसली नहीं लिया है। ऐसे रिक्रूट आप लोग फील्ड में जा रहे हैं, सबसे पहले एडवाइस तो आपका ये है कि जब आप मजबूत रहेंगे तो आप दूसरे के सेवा कर सकते हैं। जब हम चाय में परेड भी नहीं है, सलामी देने वक्त एक महिला रिक्रूट गिर पड़ी है, तो ये हम लोगों का शारीरिक दक्षता है। वजह कुछ भी हो, उनकी कमी नहीं है, हमारे कंधे पे बहुत ज्यादा है। आप महिला रिक्रूट के रूप में, रिक्रूट कांस्टेबल के रूप में फील्ड में जा रहे हैं, ये निर्णय आपके हाथ में है कि आप सिर्फ महिला कांस्टेबल ही बन के फील्ड में रहना चाहते हैं या इस विभाग के पुरुष कांस्टेबलों के बराबर आप अपनी हिस्सेदारी इस विभाग को देने जा रहे हैं, ये आपके हाथ में है। मुझे पता है आप लोग थके होंगे, आप लोग खड़े हैं, कुछ लोग इसमें दिक्कत भी महसूस कर रहे होंगे। अगर दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो बगल का रिक्रूट को इशारा करके पीछे की कुर्सी में जाके बैठ जाएं, गिर मत जाएं। उनको देखिए जरा, वो मेरे बाएं आता तरफ की टोली में दूसरी लाइन का रिक्रूट, बीच का सेंटर रिक्रूट, आपको कुछ परेशानी हो रही है, दिक्कत है, बैठ जाइए। मैं आरटीसी टीम से चीज का गौर करना चाहता हूँ कि भाई अगर हम चाय के नीचे ये हमारी फिटनेस लेवल है, तो पिछले 5-6 महीने में हम लोगों की मेहनत में कहीं कमी रही है, उसको अगले आरटीसी में हमको सुधार लेनी चाहिए। हम सकारात्मक एक सुधारात्मक पहल लेके जाएंगे, तब मजबूत रिक्रूट्स हम बना पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एक होता है कांस्टेबल के रूप में रेफर होना, एक होता है साहब महिला कांस्टेबल कमजोर। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, पंचायत चुनाव में महिला कांस्टेबल्स ने पुरुषों से कम जिम्मेदारी नहीं निभाई। मेरे साथीगण भी, मेरे साथी अधिकारीगण इस चीज के प्रथम दृष्टि गवाह है कि जितना कांस्टेबल, पुरुष कांस्टेबल ने लय लगवाने मेहनत किया है, उतने ही महिला कांस्टेबल ने भी मेहनत किया है। इस समाज के एक अहम फ्रेमवर्क आपके मन में रखना चाहता हूँ। हमारा जो समाज है पैट्रियार्कल समाज है, यानी आदमी के केंद्र बिंदु रखते हुए पैदा हुआ एक समाज है, पैट्रियार्कल सोसाइटी कहते हैं। पैट्रियार्कल सोसाइटी का रिसर्च ये बोलता है कि पैट्रियार्की का जब तक वो चल पाएगा जब तक महिलाएं डिपेंडेंट रहते हैं। अब वो जमाना धीरे धीरे बदल रहा है, महिलाओं की हिस्सेदारी समाज के हर बिंदुओं पे, हर पहलू पे बराबरी की ओर बढ़ता जा रहा है। अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते 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 यहाँ तक पहुंचे हैं, और ये महिला कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट भी एक उसका रिफ्लेक्शन है कि साथ महिलाओं की हिस्सेदारी हर विभाग में होनी चाहिए। पुलिस में हुआ, आर्मी में होने जा रहा है, आर्मी के फाइटिंग विंग्स में अभी पूरी तरह से नहीं ले रहे हैं। तो देखिए, आपको रिक्रूट करना एक अलग चीज होती है कि आपकी कीमत को विभाग को समझाना एक अलग चीज होती है कि आपको ये चीज प्रूव करना पड़ेगा फील्ड में। जैसे पुरुष कांस्टेबल से एक्सपेक्ट किया जा रहा है, वैसे महिला कांस्टेबल से भी एक्सपेक्ट किया जाएगा। शुरू से ही आपका अपना मानसिक
मजबूती बढ़ाना पड़ेगा। कोई आपको कहे आप कमजोर है, मान गए हैं तो फिर आप हार गए हैं। अगर उस मानसिक लड़ाई से आप जीत जाओगे, आगे बढ़ोगे, ये आपके हाथ में है कि आप अपने को कमजोर मानने जा रहे हो या अपने को मजबूत मानने जा रहे हो। कमजोरी सिर्फ शारीरिक नहीं होता, मानसिक भी होता, बल्कि सबसे पहले मानसिक होता है। तो मैं सभी लोगों को यही चीज कहना चाहता हूं कि अपने मानसिक रूप से और अपने शारीरिक रूप से आप मजबूत रहेंगे, आप खुद की लड़ाई के आगे रहेंगे। अगर आप डिपेंडेंट होते जाएंगे कि साहब हम कमजोर हैं, तो आप कहीं ना कहीं किसी किसी चीज का शिकार होते रहेंगे। मैं आश्चर्यजनक हूं, साथ साथ चिंताजनक भी हूं कि हमारे इस परेड ग्राउंड में हम पीओपी कराए होते हैं, कितना महिला काउंसिल लोग बैठते हैं। इस बात को लेके मैं चिंतित हूँ। जरा एएसपी लाइन और एसपी लाइन और आरआई और आरटीसी प्रभारी इस चीज़ का गौर करें। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए एसएसपी गोरखपुर जिम्मेदार है। आप लोग जिम्मेदार नहीं हैं, इसके लिए एसएसपी गोरखपुर जिम्मेदार है, क्योंकि इनको मेंटली टफ नहीं बनाया, इनको फिजिकली टफ नहीं बनाया। मैं उन कड़ी को, हम सभी लोग उतने ही मजबूत हैं जितना हमारा कमजोर कड़ी मजबूत है। तो इस चीज को सबक के रूप में लेके आगे हम लोग इस चीज को मजबूत कर लेनी चाहिए। मैं जानबूझकर 5 मिनट और बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं और देखना चाहता हूँ इनमें से कितने एजिलिटी है, कितने स्ट्रेंथ है, वरना मैं 5 मिनट में हमेशा खत्म कर देता। इस बार मैं 10 मिनट बोलूंगा। मैं चेक करना चाहता हूँ इसमें कितने लोग खड़े मिलेंगे मुझे 10 मिनट बाद। यह आपके लिए कोई नंबर का परीक्षा नहीं है। जो सिचुएशन में आप खड़े हैं, ये यहाँ से आगे आपको इससे परिस्थितियां अलग मिलेंगे। हम रोज सुनते हैं पुलिस वहां पिट गई, पुलिस इधर पिट गई, पुलिस दौड़ाया गया है, महिला कांस्टेबल के साथ बदतमीजी हुई है, महिला कांस्टेबल की कार्यालय में सगे स्टाफ के साथ दिक्कत हुई है। ये चीजें कहीं ना कहीं आगे आपको फेस करने को मिलेगा। मैं आपको वो मजबूत खड़ी के रूप में देखना चाहता हूँ। मैं अड़ंगा लगाएगा, एक तो आप कड़ंग 50% कारण हम भी होते हैं। आपको वहां पे अपने स्टैंड को क्लियरली बताना होगा, क्योंकि आपसे हमको मिलने का बहुत सारे मौका मिला नहीं है। आपको परिस्थितियां अच्छे भी मिलेंगे, अच्छा बॉस मिलेंगे, खराब भी मिल सकते हैं। इस चीज को गौर से मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक आप खुद में मजबूत नहीं रहोगे, आप शिकार होते रहोगे किसी न किसी चीज का। इस शब्द को ध्यान से सुने, खुद में अगर मजबूत नहीं रहोगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज पे शिकार होते रहेंगे। तो मैं यही शब्द आपसे कहना चाहता हूं, आप खुद में मजबूत रहना सीखिए, किसी और के भरोसे ना रहें। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय कोरोना काल जल्दी खत्म नहीं होने जा रहा है। अपने शारीरिक दक्षता को लगातार मेंटेन करें, क्योंकि महिला से पुरुष ज्यादा मजबूत नहीं है, बल्कि महिला पुरुष से ज्यादा मजबूत है। महिलाएं घर चलाते हैं, घर चलाना आम आसान बात नहीं है। बच्चों को पालना आम आसान बात नहीं है, क्योंकि मैं एक 3 साल के बेटे का पिता हूं।
मुझे पता है कि उसके कितने दिक्कतें होती है, उसमें कितने कठिनाई उठाना पड़ता है महिलाओं को। तो आप लोग कहीं कमजोर नहीं है, इस चीज को बार बार खुद पे विश्वास करके खुद इस चीज को मतलब इस पे विश्वास कर लेनी चाहिए आप लोगों को। ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, यही एक टैगलाइन है आपको आगे की 25-30 साल की नौकरी के लिए। जितने भी साल आप नौकरी करने जा रहे हैं, ये कड़वा सच्चे विभाग बहुत रूथलेस विभाग है, इस पे आपको सर्वाइव करना है। तो मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ दोनों की, इसमें कोई मेल फीमेल की वो नहीं है, आदमी पुरुष और महिलाओं का कोई अंतर नहीं है। ये विभाग अपने आप में एक टफ विभाग है। रिक्रूट हुए फील्ड में जाने के लिए, मुंशी बनने के लिए नहीं। अगर आप कांस्टेबल के रूप में रिक्रूट हुए हैं तो चौराहे पे पहरा देना है, किसी की रक्षा करना है, कानूनी कार्रवाई करना है, तो मुंशी के काम करने के लिए नहीं। इस चीज को दिमाग में बिठाइए। और इसी शब्दों के साथ, इस विभाग में आप जैसे महिला कांस्टेबल तमाम अच्छा काम किए हैं, तमाम निराशित बच्चों के लिए, निराशित महिलाओं के लिए बहुत सेवाएं की हैं, इसी विभाग के महिलाओं ने किया है। तमाम जान बचाई है यूपी पुलिस ने, तमाम लोगों को कठिन परिस्थितियों में उनको बाहर निकाल के ले आया यूपी पुलिस ने। यूपी जैसे क्षेत्र जहाँ 130 करोड़ की आबादी है, वहां मात्र चंद पुलिस कर्मचारियों ने अपने जान के बाजी के लिए अपने खून पसीना नदी के रूप में बहा के यहाँ के कानून व्यवस्था, यहाँ के क्राइम कंट्रोल किए हैं। हम में से कुछ लोग खराब हो सकते हैं, बट 95% हम में से उत्तम श्रेणी के हैं। अगर कोई आपको ये कहे, मैं ये चीजें जो आपको ये पासिंग आउट परेड में जो बोला हूँ वो आपको कड़वा स्थापित हो सकता है, बट हम यहाँ नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे? क्योंकि बाहर इस गेट के बाहर दुनिया आपको बोलेगी, दिखाएगी, विभाग आपको बताएगी, दिखाएगी। तो इसलिए मैं आपको ये चीज कह रहा हूँ, यूपी पुलिस परिस्थिति को देखते हुए जो काम करती है वो बाकी देश में, मैं तमिलनाडु का रहने वाला हूँ, तमिलनाडु के पुलिस सामने पिस्टल और कट्टा देखने की नौबत नहीं आती अक्सर, या आम दबिश में भी गोली चलती है। तो उत्तर पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस दमदार है, कलेजे वाले जिनको सामने गोली चलते हुए आगे बढ़ने का क्षमता है। तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस की परंपरा है कि उसके अंदर हिम्मत टूट टूट के भरा हुआ है, और ये वक्त उसका स्थापित पुनः करने का, मजबूत पुनः करने का, आपके मेहनतों से, आपकी एटीट्यूड से, आपकी मजबूती से, आपके कंधों पे विभाग की जिम्मेदारी आने वाला है। तो मैं यही फाइनल टैगलाइन के साथ इस चीज को खत्म कर रहा हूँ। आप खुद में मजबूत है, आपकी एटीट्यूड बोलेगा, बोलना पड़ेगा, और आप खुद में मजबूर शारीरिक दक्षता के साथ, मजबूती के साथ आप आगे नौकरी करिएगा, अच्छा सेवा करिएगा, और यूपी पुलिस की गौरव बढ़ाइए। आप में से 87 के 87 लोग सोना है, इस चीज को कहते हुए सोना का या हीरा का अपने वैल्यू पता नहीं रहता है, दूसरे को पता है। तो मैं आपको कह रहा हूँ, इस चीज को 100% विश्वास कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। मैं शपथ लेता हूं कि भारतीय संविधान द्वारा प्रतिपादित विधि विधान के प्रति मैं पूर्ण निष्ठा एवं श्रद्धा रखूंगी। एक पुलिस अधिकारी के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन विधि अनुसार पूर्ण साहस, निर्भीकता एवं उत्साह से करूंगी।
मैं ये भी शपथ लेती हूँ कि अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा निष्पक्षता चैतन्यता परिश्रम एवं पवित्र अंतकरण के साथ करूंगी तथा जनता के साथ श्रेष्ठ सभ्य सौम्य एवं मधुर व्यवहार करूंगी। इसमें सर्वरक्षक परमेश्वर मेरी सहायता करें। जय हिंद। मेरा नाम प्रियांशी। प्रियांशी जी, आप रामपुर से हम कांस्टेबल के तौर पर फील्ड में जा रहे हैं, किस तरीके से प्रिपेयरिंग कितनी चुनौतियों का सामना? सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं अपने पीटीआई महोदय का धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से आज हम इतने मजबूत जो भी हैं, सब कुछ उनकी वजह से, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कि मतलब कि हौसले की वजह से ही आज हम जो भी हैं वो उनकी वजह से ही है। आप यहाँ से फील्ड में जा रहे हैं, किस तरीके से? फील्ड में जाने के लिए हमको हमारे सर ने मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरह से प्रिपेयर किया है। मेरा नाम कंचन बाला है। मुझे तृतीय कमांडर का प्राइज़ मिला है और आज हमारी जो आरटीसी ट्रेनिंग चल रही थी वो ख़त्म हो गई है। अब यहाँ से हम लोग को फील्ड में जाना है, वहाँ बहुत ही मतलब चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, डटकर सामना करना है और अपने सबसे ज़्यादा शारीरिक मतलब की मजबूती से ज़्यादा जो मानसिक मजबूती है वो हमको अपना वो करना पड़ेगा, ताकि किसी भी चुनौती का सामना हम डट कर सकें। और किसी के सामने झुकना नहीं है, खुद को मतलब एकदम वेल मेंटेन बना के रखना है, ताकि कोई हमको कुछ भी मतलब कमी, हमारी कमी की वजह से हमको कोई नीचा ना दिखा सके। सबसे पहले महिलाओं को हम ये बताना चाहेंगे कि किसी भी मतलब कि हमको पुरुष से कम खुद को नहीं आंकना है। कहीं पे भी ये नहीं है कि हाँ मतलब महिला है इस वजह से इनको ना लेके जाएं या इस काम को नहीं करने के लिए बोलें क्योंकि महिला है कमज़ोर है, ऐसा नहीं है। हम पुरुष जैसे ही मतलब कि पुरुष पुलिसकर्मी किसी भी फील्ड में काम करते हैं, वैसे ही हमको पुरुष के सामने कंधे से कंधे मिलाकर चलना होगा और खुद को बहुत ही मजबूती से फिर हर मतलब कि जैसे समाज में
जो भी थोड़ी बहुत हम लोग से मतलब कमियां होती रही हैं उनको और अच्छे से हर मतलब हर क्षेत्र में आगे और भी मजबूती के साथ डटकर सामना करना है सभी चुनौतियों का। निष्ठा सुमन, जैसा कि हमको यहाँ सिखाया गया 6 महीनों में हमको बहुत परिपक्व कराया गया है हमारे उस्तादों द्वारा, हमारे गुरुजन द्वारा हमको सिखाया गया, फिजिकली मेंटली दोनों रूप से हम लोग को मजबूत किया गया है। हमारे सामने कैसी भी स्थिति आएगी हम उसका डटकर सामना करेंगे। जैसा कि हम लोग को सिखाया गया, हम लोग मनोयोग से पूरे दृढ़ निष्ठा के साथ, जैसा कि मेरा नाम भी है, हम उसका पालन करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर का पालन करते हुए कानून की सुरक्षा भी करेंगे, लोग की सेवा भी करेंगे। जय हिंद। आज जो है हमारे यहाँ 87 महिला रिक्रूट्स पासिंग आउट होके जनपदों में व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए जा रहे हैं। बारिश तेज होने की वजह से परेड ग्राउंड पानी पूरा भर गया है, जहां परेड नहीं हो पाया, इसलिए पुलिस लाइन में जो हमारे समीक्षा जहां पे ब्रीफिंग शेड होता है वहां पे पीओपी कराए गए हैं सलामी लेके, उनका पुरस्कार वितरण भी किए गए हैं और इनका जो है संबंधित जनपदों के लिए रवाना किया जाएगा। मैंने कहा कि पुलिस विभाग अपने आप में एक चुनौतियों से सामने करने वाला विभाग है जिसके कंधे पे पूरा प्रदेश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है और कमज़ोर वर्गों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। विशेषकर जब इनकी सुरक्षा, इनकी प्रदेश की सुरक्षा एवं सम्मान के लिए जब हम फील्ड में उतरेंगे तो उसके लिए हमारे शारीरिक क्षमता एवं मानसिक दक्षता की उच्च कोटि में रखने की आवश्यकता है। इसलिए यही संदेश दिया है, अगर अपने काम 100% इस प्रदेश की विकास एवं सुरक्षा के लिए देना तो अपने खुद को विकास एवं खुद की शारीरिक क्षमता एवं दक्षता उच्च कोटि में रखना चाहिए, यही संदेश था।